नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीआईवी हुसैन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का गैस सिलेंडर है तो आप घर बैठे किसी भी गैस सिलेंडर का सब्सिडी चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके पास दोस्तों जो गैस सिलेंडर है उसका सब्सिडी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किस तारीख को कितना सब्सिडी मिला था, किस महीने का कितना सब्सिडी कट के आपके अकाउंट में भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा। दोस्तों पूरे डिटेल के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको बताऊंगा दोस्तों कि किसी भी गैस सिलेंडर का सब्सिडी कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं कि आपके अकाउंट का में दोस्तों का सब्सिडी भेजा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, और कमेंट में जरूर दोस्तों बताएं कि आपके पास किस प्रकार का दोस्तों कौन सा सिलेंडर है। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। गैस सब्सिडी चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन पाना है। स्क्रीन पाने के बाद एक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस ब्राउजर को आप ओपन कर लेना। मैं क्रोम ब्राउजर जो को यूज करता हूँ तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है माई एल पी जी टाइप करके इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ, जो पहला साइट खुल के सामने आ रहा है myLPG.in, myLPG सब्सिडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके के इंटरफेस खुल के सामने आएगा। एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें तीन सिलेंडर आपको दिखाए जाएंगे। देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये तीन सिलेंडर है दोस्तों जो कि इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पहला है भारत, दूसरा है HP, तीसरा है इंडियन। ये तीन सिलेंडर है जो कि सप्लाई किए जाते हैं। इसमें दो सिलेंडर का मैं सब्सिडी चेक करने के लिए दोस्तों बताऊंगा। पहला है भारत, दूसरा है इंडियन। ये दो सिलेंडर का मैं सब्सिडी चेक करने का के लिए बताऊंगा दोस्तों कि कैसे सब्सिडी चेक करते हैं, HP सिलेंडर का सब्सिडी कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में आप HP गैस सिलेंडर का सब्सिडी कैसे चेक करते हैं देख लीजिएगा। बाद भारत गैस का सब्सिडी चेक करने के लिए भारत गैस सिलेंडर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा। देखिए नया एक डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा जिसमें बहुत सारे इंटरफेस खुल के सामने आए हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें शो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सिडी चेक करने के लिए यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो एक नया डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा जिसमें बहुत सारे इंटरफेस खुल के सामने आएंगे, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। तो आपको क्या करना है, एक नया एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से फीड गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा जिसमें कुछ आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, जो अपने गैस एजेंसी पर अपने नंबर दे रखा है, पासबुक में जो नंबर आपने इस तरीके से इंटरफेस को के सामने आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर दोस्तों अपने गैस एजेंसी पर दे रखा है उस नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना। उसके बाद LPG ID, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, के बाद LPG कंज्यूमर नंबर, उसके बाद दोस्तों फीडबैक टाइप। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने गैस एजेंसी पर नंबर दे रखा है उसको यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों। यहाँ पर टाइप करने के बाद चाहे तो आप यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर फीडबैक टाइप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है सेकेंड नंबर पर, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करना है, इसे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद देखेंगे, देखिए ऐसे ऊपर करके आना है। देखिए ऐसे करेंगे तो देखिए आपके जो भी आपने यहाँ पर देखिए कंज्यूमर नंबर भी शो हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए कंज्यूमर नंबर हो रहा है, OPT अबाउट डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर नाम भी शो हो रहा है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रिफ़िल हिस्ट्री, जैसे रिफ़िल हिस्ट्री जैसे कितने बार आपने गैस भरा है वो भी अपन शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल आपको शो हो रहा है,
तो दोस्तों ये मैंने अभी नया कनेक्शन लिया है, इसीलिए मेरा है दोस्तों यहाँ पर शो नहीं हो रहा। मेरा भी एक दो सप्ताह हो रहा है मैंने नया कनेक्शन लिया, इसीलिए मेरा यहाँ पर सब्सिडी शो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ऐसे अपने गैस सिलेंडर का सब्सिडी चेक कर सकते हैं, भारत गैस का सब्सिडी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि बाइक जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, इंडियन गैस सिलेंडर पर आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको दोस्तों ऐसे जूम करके आपको दिखा दूं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो फिर से एक नया डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा, देखिए एक नया इंटरफेस खुल के सामने आया। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो LPG एक सिलेंडर शो हो रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है LPG सब्सिडी लिख करके यहाँ पर देखिए जो प्रोसीड है, इस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछेगा कि यहाँ पर देखिए कि इंटरफेस खुल के सामने आ रहा है, देखिए सब्सिडी रिलेटेड पहले इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया ऑप्शन पेज खुल के सामने आएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, सब्सिडी कैटेगरी, तो आपको क्या करना है, सब्सिडी नॉट रिसीव्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सब्सिडी नोट रिसीट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये इंटरफेस खुल के सामने आएगा, इसमें आपको क्या करना है, 10 डिजिट का नंबर पूछेगा दोस्तों। 10 डिजिट का नंबर जो आपने गैस एजेंसी पे आपने दे रखा है दोस्तों, जो रजिस्टर करा रखा है, इस नंबर इसमें आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर LPG ID जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस कैप्चा को दोस्तों यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये ब्लू रंग का टिक हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये पूछ रहा है आई एम नॉट ए रोबोट। तो दोस्तों ये इसे जैसे ही ये ब्लू होगा दोस्तों ये आपका सक्सेस हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये ग्रीन हो गया, ग्रीन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो भी है गैस की सब्सिडी का डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, जो कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप इंडियन गैस का दोस्तों आपको बता दिया कि सब्सिडी कैसे चेक करते हैं, भारत गैस का भी बता दिया कि सब्सिडी का इस तरीके से चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल से सब्सिडी चेक कर सकते हैं। HP गैस का सब्सिडी कैसे चेक करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है दोस्तों वीडियो का दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस, कमेंट में जो दोस्तों बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।